हेलो दोस्तों, माल कंपनी का AG100BC एंगल ग्राइंडर मशीन, इसमें आर्मेचर मैंने ओपन करके रखा था, तो दूसरे मशीन में मैंने फिटिंग किया था। पॉलीमेक कंपनी का जो आर्मेचर मैंने आज लेके आया है, तो मैंने वादा किया था आपको ये मशीन का जो आर्मेचर है माल कंपनी मशीन में फिटिंग होता है, KPT कंपनी मशीन में भी फिटिंग होता है। मैं KPT माल कंपनी का वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो पॉलीमेक कंपनी का जो मशीन है, एंगल ग्राइंडर मशीन है, उसका आर्मेचर माल कंपनी मशीन के साथ मैच होता है, फिटिंग होता है। तो आपके साथ रियल जानकारी शेयर करते हैं, तो ये आर्मेचर मशीन में फिटिंग करके चला के आपके साथ शेयर करते हैं। मशीन में सब कुछ ओपन है, देखिए फ्यूल कॉइल फिटिंग नहीं है, आर्मेचर नया फिटिंग करना है, तो आपको इस वीडियो से सब कुछ जानकारी मिल जाएंगे। तो सब कुछ मैंने अलग करके रखे हैं, तो नया मशीन ऐसे कोई खोल के किसी को ओपन करके कुछ भी सामान नहीं देते हैं। मैं करता हूँ तो किसी को करना नहीं चाहिए। तो हालत ऐसे हो जाता है कभी कभार, मशीन हम बहुत कस्टमर को दे देते हैं, मशीन में आर्मेचर फ्यूल कॉइल डैमेज हो जाने पर कस्टमर को हमें अच्छे से सामान रिपेयर करके देना चाहिए, तो नाम खराब ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नया मशीन को खोल के सामान हम कस्टमर को दे देते हैं, और जब सामान आ जाता है हम इसको दोबारा से फिट करके कस्टमर को मशीन हम देते हैं। तो ऐसे करना ज़रूरी हो जाता है, तो हम कस्टमर को सामान तो देते हैं, तो कस्टमर का जो मशीन डैमेज होने पर हमें भी कुछ जिम्मेदारी होता है, उनका मशीन बढ़िया से रिपेयर करके देना चाहिए। तो आप उनके साथ बढ़िया से रिलेशन रखेंगे ना, वो आपका शॉप छोड़ के कहाँ पर भी नहीं जाएंगे, तो आप का जो रिलेशन है बढ़िया रहेगा। तो मेरे जो काम करने का जो भी सोच है सबसे अलग होता है, तो इसलिए बहुत शॉप ओनर को पसंद नहीं होता है, तो ऐसे करना नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा करता हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता है, कस्टमर मेरे जो ऐसे काम करने पर वो भी खुश होता है, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं इसको फिटिंग करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। फ्यूल कॉइल को हम फिटिंग कर लेना है, तो आप रियल जानकारी आपके साथ शेयर करें, वीडियो देखो, ऐसे जो जानकारी आपके साथ कोई शेयर नहीं करते हैं। तो आपको काम सिखाना है, तो छोटे बड़े जो भी जानकारी है आपके साथ शेयर करना जरूरी होता है, तो आपको काम सीखना है। अभी जो मार्केट में स्थिति बन गया है, बहुत सारे कंपनी का एंगल ग्राइंडर मशीन खरीदने को मिलते हैं, उसमें सभी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मशीन में जो फ्यूल कॉइल का फिटिंग्स होता है, उसमें फ्यूल कॉइल में स्क्रू फिटिंग देखने को नहीं मिलते हैं। आपको मार्केट कंपनी मशीन में ही फ्यूल कॉइल में स्क्रू फिटिंग देखने को मिलते हैं। बॉस, डिवॉल्ट, हिटाची, जो भी कंपनी वाला मशीन है उसमें आपको आर्मेचर में तो फिटिंग्स आपको बहुत ही ख़राब देखने को मिलते हैं, बैरिंग फिटिंग सही नहीं होता है, इसी वजह से आर्मेचर के साथ फील्ड बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, फील्ड कॉल पर स्क्रू नहीं होता है, फैन गार्ड का फिटिंग सही नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं। अभी जो कंपनी आपको सिलेक्शन करना है, तीनों मशीन आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये जो मॉडल है और माकिटा कंपनी मशीन है, ये मशीन का जो फिटिंग्स है माकिटा कंपनी मशीन का देख के ही कॉपी है। तो हमें ये मशीन मार्केट में बहुत ही सस्ते में मिलेंगे, बहुत ही अच्छे मशीन है, बहुत अच्छे से वर्क भी करते हैं, जल्दी डैमेज नहीं होता है, आगे वाला बैरिंग बहुत दिन तक चलते हैं। मेरे को ये मशीन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने सबके साथ इस वीडियो में शेयर किया था। देखिए फ्यूल कॉइल को हम फिटिंग कर लेते हैं, करके आपके साथ आर्मेचर फिटिंग करके जो रियल जानकारी शेयर करते हैं। देखिए फ्यूल कॉइल बड़े से फिटिंग हो गया है, इसमें हमें स्प्रिंग को होल्डर में बड़े से फिटिंग करना है। इसमें आपको दोनों स्क्रू ड्राइवर के मदद से ही फिटिंग करना है, थोड़ा मेहनत लगते हैं, तो बड़े से आप काम करोगे ना तो बड़े से फिटिंग हो जाएगा, थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। काम से आप प्यार करोगे तो सभी काम आप ईजीली कर लेंगे, तो काम से प्यार करोगे तो ईजी होगा, आप पैसा से प्यार करोगे तो ईजी कभी नहीं होगा, तो आपको कष्ट लगेंगे।
देखिए बड़े से फिटिंग हो गया, थोड़ा मेहनत लगा क्योंकि इसमें बहुत ही अंदर तक इसमें फ्यूल कॉइल का फिटिंग्स होता है। देखिए पीछे वाला फिटिंग भी हम कर लिए, स्विच भी ओपन कर लिए थे, मैसेज में सब कुछ ओपन था। बैक कवर फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आर्मेचर को फिटिंग करेंगे। पीछे वाला बैरिंग मैंने मैसेज के साथ फिट कर दिया, जैसे आर्मेचर कंप्लीट फिटिंग था ऐसे ही हम खोल के उसमें फिट कर दिया। तो आर्मेचर में पीछे बैरिंग हमें फिटिंग करना है, मैंने ए सी एच बैरिंग इसमें फिटिंग की है। हाई प्रेस में आपको बैरिंग को फिट करना है, ओरिजिनल जो आर्मेचर होता है ना उसमें जो बैरिंग कवर होता है ना, जो बैरिंग को गार्ड करते हैं टूट जाने पर, बड़ी से फिटिंग हो जाता है। ओरिजिनल जो होता है ना उसमें जो फिटिंग्स होता है बहुत ही अलग होता है, और जो मार्केट में चालू होता है ना उसमें फिटिंग आप बड़े से कर नहीं पाओगे, और मशीन फिटिंग होने के बाद उतना बड़े से चलेगा नहीं। आपको हमेशा एक ऐसा ब्रांड सिलेक्शन करना है उसमें सभी पेयर पास आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाए, और बढ़िया से उसमें फिटिंग कर पाओगे, बड़े से चलेगा। देखिए इसमें गियर बॉक्स ओपन कर लेते हैं, बैरिंग इसके साथ फिटिंग है। ऐसे फिटिंग आपको हिटाची डिवॉल्ट बॉस कंपनी मशीन में देखने को नहीं मिलते, आपको मार्केट अकाउंट मशीन में देखने को मिलते हैं। तो
फिटिंग्स बहुत ही बढ़िया होता है, बैरिंग जल्दी डैमेज नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छे मशीन है, वाइब्रेशन नहीं होता है और एयर बहुत ही अच्छे से बाहर होता है। दूसरे जो मशीन होता है उसमें जो फैन गार्ड का फिटिंग होता है अच्छे नहीं होने की वजह से फैन गार्ड कटिंग हो जाता है। तो ये मशीन कंपनी बहुत ही अलग बनाया है, बहुत ही अच्छे मशीन है। तो इसमें आर्मेचर का जो बैरिंग का फिटिंग्स होता है ना, आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर रखना है। तो रावत जब बैठते हैं ना इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा अंदर डाल दिया, थोड़ा पुलर की मदद से बाहर कर लेते हैं। और बैरिंग हमेशा हाई प्रेस में ही आपको फिट करना है। आपके पास टूल्स सही रहेगा, सही जानकारी रहेंगे, आप काम को प्यार करेंगे, तब आपसे जो काम होगा, तो काम आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आप बढ़िया से काम कर रहे हो। आप काम से प्यार करेंगे ना, वो काम इतना अच्छा होगा, आप देख पाओगे मशीन जब रिपेयर करके देंगे लॉन्ग टाइम चलेंगे। आप काम से प्यार नहीं करेंगे ना, पैसा से प्यार करेंगे, काम उतना बढ़िया नहीं होगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उसमें साउंड से आपको पता चल जाएगा आपका जो काम आप करते हो ना वो कितना बढ़िया से किए हैं। अब मशीन रिपेयर करने के बाद साउंड आ रहा है, मतलब आपने बढ़िया से फिटिंग ही नहीं किया। और बढ़िया से फिटिंग किए हो तो मशीन जब चलाएंगे उसमें साउंड से पता चल जाएगा आप कितना बढ़िया से, कितना मेहनत से आप मशीन को फिटिंग किए हो। देखिए मशीन बढ़िया से फिटिंग हो गया और इसमें पीछे वाला बैरिंग मैंने फिट कर लिया, आगे वाला बैरिंग तो पहले से था तो बढ़िया से फिटिंग हो गया। बढ़िया से फिटिंग करके मशीन को चला के आपके साथ साउंड सुनाएंगे, आप साउंड को सुन लेना। कंपनी मशीन में जैसे साउंड है ऐसे ही साउंड इसमें आ जाएंगे। तो काम आप परफेक्ट सीखेंगे तभी ऐसे फिटिंग आपसे होंगे। देखिए बड़े से मूव कर रहा है, तो ओरिजिनल आर्मेचर हमेशा बढ़िया होता है, बड़े से फिटिंग होता है। देखिए इसमें पॉलीमेक कंपनी का जो आर्मेचर है इसमें फिट हो गया, तीनों मशीन में एक ही आर्मेचर फिटिंग होता है। तो मैंने रियल में आपके साथ वीडियो शेयर किया है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो आपके साथ जो रियल है ना वही शेयर कर रहे हैं, तो मशीन को फिटिंग करके चला के आपके साथ शेयर करते हैं। फिटिंग होने के बाद आपको मूव करके भी देखना है बड़े से मूव हो रहा है, मूव बड़े से नहीं हो रहा है, कहाँ पे अटक रहा है, गियर से थोड़ा साउंड आ रहा है, बड़े से फिटिंग नहीं हुआ है। तो आपको देख के उसमें फिट करना है, कुछ में भी प्रॉब्लम होता है उसको ठीक कर लेना है। जो काम से प्यार नहीं करता उसको पता भी नहीं चलेगा कहाँ उसमें गलती किया है, तो गलती रहेगा तो दोबारा से मशीन को ओपन नहीं करेगा, उसको टाइम नहीं है, पैसा से मतलब होता है, कुछ भी करके छोड़ देगा। तो आपका मशीन कुछ भी होता है ना, कस्टमर को भी देखना चाहिए आप जिस सब में काम करने जाते हो वो पैसा से मतलब रखता है ना काम से प्यार करता है। काम से प्यार करेंगे तो उसमें रिजल्ट कुछ अलग देखने आपको लगेंगे, जो पैसा से प्यार करेंगे ना उसका काम अलग ही होगा। तो आपको भी देख के शॉप सिलेक्शन करना है, ऐसे नहीं है जो भी शॉप मिले उसी से आप रिपेयर कर लो तो आपका ही सामान खराब होगा। तो आपको देखना चाहिए जो शॉप ओनर है वो कैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं। काम से प्यार करने वाला कुछ अलग आपको देखने को मिलेंगे और जो पैसा से प्यार करते हैं उसका कुछ बात अलग होगा। तो मशीन बड़े से फिटिंग हो गया है, तो सीरीज में टेस्टिंग करने के बाद चला के आपके साथ शेयर करते हैं।
मशीन बड़े से चल रहा है, साउंड से आपको पता चल रहा है मशीन कितना बड़े से फिटिंग हुआ है। तो इसमें जब मशीन चलते हैं ना, गियर से स्मूथ साउंड जब भी आएंगे तो आपको पता चल जाता है मशीन कितना बड़े से फिटिंग हुआ है। तो ओरिजिनल आर्मेचर है तो फिटिंग ओरिजिनल जैसा हुआ है, तो इसमें क्वालिटी अच्छा नहीं होता था, इतना बड़े से फिटिंग नहीं होता। तो जो रियल है ना आपके साथ वही शेयर किया है। हमेशा आपको एक अच्छे मैकेनिक बनना है तो आप बढ़िया से काम कर पाएंगे, आपका जो शॉप का नाम है ना बहुत ही बढ़िया रहेंगे, आप बढ़िया से कस्टमर आ पाएंगे। आप जो सोचते हो ना ऐसा हो सकता है। आपको एक अच्छे मैकेनिक बनना है तो उनके लिए बढ़िया से आपको मेहनत करना है।